बात करूंगा आज बहराइच की, उत्तर प्रदेश। जी हाँ, बहराइच में वो हो गया जिसकी तवक्को नहीं थी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब से यूपी में बीजेपी की योगी सरकार है, दंगे तो नहीं हुए। दंगे इन द सेंस की जिस तरह से हमने समाजवादी पार्टी में देखा था, किसकी साजिश थी, कौन उसके पीछे था, मैं नहीं जानता। लेकिन 2012 से लेकर के 2017 तक यूपी जलता रहा और सबसे बड़ा दंगा फसाद जो मुजफ्फरनगर में हुआ था, वो तो ऐसा था कि ऐसा फसाद, ऐसी चीजें 1947 में भी नहीं हुई थी। 50,000 मुजफ्फरनगर के मुसलमान नकले मकानी करने पर मजबूर हो गए थे। 600 से ज्यादा छोटे बड़े दंगे हुए थे। लेकिन मैं जो बात करने जा रहा हूं कि आखिर अब क्या जरूरत पड़ गई, क्यों दंगा भड़काने की कोशिश की जा रही है। मैं बार बार एक सवाल करता हूं तमाम मीडिया पे जाके, और आज भी एक बड़ी हकीकत आपके सामने पेश करूंगा। सवाल यह है कि कश्मीर जहां पत्थरबाजी होती थी, कश्मीर में तो पत्थरबाजी रुक गई। कश्मीर में पत्थरबाजी नहीं होती और इसका क्रेडिट जाता है मोदी सरकार को, ऐसा लोग कहते हैं, अब कहना भी चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि पूरे हिंदुस्तान में पत्थर क्यों चलने लगे, जैसा कि हमारा मीडिया दिखाता है, एक एक जगह की, यहां 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 क्यों पत्थर चलने लगे, इसके पीछे वजह क्या है। बहुत सारे हकायक हैं जिनसे आज मैं पर्दा उठाऊंगा, आपकी खिदमत में तमाम बातें पेश करूंगा। ये कौन सी साजिश है, किसके खिलाफ साजिश है। कई बार अब बज़ाहिर लगता है कि मुसलमानों के खिलाफ एक बड़ी साजिश है कि मुसलमानों को अलग थलग कर दिया जाए, और यह बिल्कुल वैसे ही नजर आता है कि जैसे हमने जर्मनी में देखा था, यहूदियों के खिलाफ जिस तरह की साजिश की जा रही थी, साजिश की गई और उन्हें अलग थलग किया गया, और उसके बाद जिस तरह से यहूदियों का कत्लेआम किया गया, उनके खिलाफ नफरत फैलाई गई। माहिरीन और मौर्रिखीन ने यहां तक लिखा है कि इस तरह से माहौल बनाया गया था यहूदियों के खिलाफ कि बाकायदा फिल्में बनाई गई थी उन पर कि उनसे नफरत पैदा हो जाए। आप देखिए, आज कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ा जा रहा है कि जिसमें मुसलमानों के खिलाफ नफरत वाली बात ना हो, और पूरा मीडिया तंत्र लगा हुआ है। क्या यहां कोई जर्मनी जैसी साजिश हो रही। लेकिन ये हिंदुस्तान है, मैं आपको यकीन दिला रहा हूं, ये हिंदुस्तान है, यहां कभी जर्मनी नहीं हो सकता। मुझे पूरा एतमाद है, मुझे पूरा भरोसा है, अगर हमारा नेशनल मीडिया, कुछ नेशनल मीडिया कम्युनल है, तो बहुत सारे सोशल मीडिया हमारे, आप देख लीजिए, वो सेकुलर, उन्होंने सारी सच्चाई मीडिया को छोड़ दीजिए, आवाम के सामने पेश कर दिए। हमारे साथ फजील अहमद साहब जुड़ेंगे और मैं उनसे बात करूंगा, लेकिन कुछ सच्चाई मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए, दंगा शुरू कहां से हुआ, क्यों शुरू हुआ, क्यों साजिश की जा रही है, कई तरह की बातें मैं बीच बीच में सवाल और जवाब के दौरान करूंगा, लेकिन दंगा कहां से शुरू हुआ मैं आपको बता रहा हूं। एक तस्वीर वो मैं आपको दिखा रहा हूं। तो आपने देखा कि ये कैसी तस्वीर थी, और सोशल मीडिया पे ये तस्वीर वायरल है, कई मीडिया के चैनलों ने भी दिखाया, और
ये बात सही है, उन्होंने कहा कि अगर झंडा गिरा दिया गया, रेलिंग गिरा दी गई, इस तरह के नारे लगा दिए गए, तो क्या उसे कत्ल कर दिया जाएगा, क्या उसे गोली मार दिया जाएगा? मैं भी कहता हूं बिल्कुल नहीं, ये अफसोसनाक है। लेकिन सवाल यह है कि पुलिस कहां थी, सवाल यह है कि इंतजामिया कहां था, सवाल यह है कि इतना सब कुछ हो रहा है और कोई बोलने वाला नहीं, ऐसा क्यों, कहां से ये उकसावे वाली भीड़ आ गई और क्यों बार बार इस तरह के नजारे आते हैं? ये भी तो कम से कम सिक्के का दूसरा रुख तो दिखाया जाए, सिक्के का दूसरा पहलू भी तो दिखाया जाए, क्यों नहीं दिखाया जा रहा है? और देखिए एक और मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं, और देखिए और ये मजार है, इस मजार को आग लगा दी गई और क्या बात कही जा रही, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। और इस तरह के नजाने कितने आपने देखे होंगे कि जब जुलूस निकलता है तो उसमें किस तरह के नारे लगाए जाते हैं, मुल्ला तेरे दो अस्तान, कब्रस्तान या पाकिस्तान, ये बात क्यों कही जाती, ये अति उत्साह क्यों इतना है? मैंने कल एक न्यूज चैनल पे कहा, मैंने कहा कि मंटो का एक अफसाना है नया कानून, यह अंग्रेजों के जमाने का अफसाना है किताब, ये चर्चा हुई कि नया कानून आ रहा है और उसमें हिंदुस्तानी आजाद हो जाएंगे, तो मंगू कोचवान होता है उस अफसाने का मेन किरदार, उसके तांगे पर एक अंग्रेज बैठा रहता है, मंगू कोचवान 12 बजे का इंतजार करता है कि जब 12 बज जाएंगे और नया कानून आएगा तब हम अंग्रेज को मारेंगे, और वही किया उस मंगू कोचवान ने। लेकिन मंगू कोचवान तो अनपढ़ था, सवाल यह है कि क्या हम सब अनपढ़ हो गए? जब आज हम सितारों का सफर कर रहे हैं, हम चांद पर पहुंचने का दावा कर रहे हैं और पहुंच गए हैं, दावा नहीं कर रहे, सवाल यह कि जमीन पे क्या हो रहा है, क्यों इतनी नफरत, इतनी जहालत, क्यों ऐसे नारे और क्यों कोई नहीं रोक रहा है? एक बड़ा सवाल। एक और तस्वीर पढ़े लिखे लोगों की, और मैं बता रहा हूं कि हिंदुस्तान में कभी जर्मनी नहीं होगा, क्योंकि यहां पढ़े लिखे लोग हैं, यहां सेकुलर लोग हैं, यहां सिर्फ कम्युनल लोग नहीं। देखिए एक पंडित जी हैं, उन्होंने एक सोशल मीडिया चैनल पे क्या बयान दिया वो सुन लीजिए, और बहुत ही अहम बयान है वो आप सुनिए। बहराइच की जो वीडियो सामने आ रही है, उनके घर के आगे से जुलूस निकल रहा है, बंदा एक उसके घर में घुस के उसका जो हरा झंडा है, जो उसका धार्मिक झंडा है, उसे उसने तोड़ दिया, उसे गिरा दिया, उसके साथ साथ उसकी ग्रिल भी गिर गई, उसके बाद अपना भगवा झंडा वहां ला रहा है, क्या क्या मतलब होता है इस चीज का भाई? हिंदू जुलूसों की वास्तविक जो है वास्तविकता सामने आ जाएगी, और कई तरह की तस्वीरें आ रही, यही नहीं मैं और आप बताऊं, और बहराइच से मसूद अली मसूदी हमारे नुमाइंदे हैं, उन्होंने जो बात बताई है मैं वो भी आपको बताऊंगा कि वहां इस वक्त क्या हालात है। देखिए हमेशा साजिशें होती नहीं है, जो जान गई है वो हिंदुस्तान का एक नौजवान गया है, कैसे भी गया, अफसोस है, किसी का भाई गया है बहुत अफसोस है, किसी का बेटा गया है बहुत अफसोस है, और जो कुछ बहराइच में हुआ बहुत निंदनीय है, काबिले मजम्मत है, नहीं होना चाहिए, लेकिन अब नुकसान किसका हुआ? हमारे साथ फजील साहब जुड़ गए, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं नुकसान किसका हुआ है। आप देखिए वहां से जो मसूद साहब बताए, उन्होंने बताया कि ये जो है तहसील महसी का पूरा मामला है, और महाराजगंज ये आपका एक एरिया है, महाराजगंज में पिछले 10-12-15 साल में जो मुसलमानों की बड़ी आबादी है उसने काफी तरक्की की है, बड़ी बड़ी दुकानें, बड़ी अच्छी तजारत है वहां, और इसको लेकर के कहीं ना कहीं किसी जो फिरका परस्त ताकत है जिसने हर दंगे में मैं आपको बता दूं, हर दंगे में मुसलमानों की तजारत को नुकसान पहुंचाया, और ये बीजेपी की बात नहीं है, आप उठा करके देख लीजिए, टारगेट जो है हमेशा तजारत रही है, टारगेट हमेशा जो है जान के साथ साथ माल रहा है, लूटपाट रही, आप तमाम दंगे जो कांग्रेस के दौर में भी हो उनको उठा करके देख लीजिए। अब उन्होंने बताया कि चूंकि तरक्की मुसलमान कर रहा था तो उसको डिस्टर्ब कैसे किया जाए, और जब ये पूरा मामला हुआ
तो टारगेट करके दुकानों को जलाया गया, वहां माहौल को खराब किया गया। बाद में पुलिस पहुंची, वहां पे कंट्रोल किया गया, लेकिन जो मसूदी साहब बता रहे हैं, जो हमारे नुमाइंदे, कि जो कार्रवाई हुई है वो एक तरफा हुई। 28 से 30 लोगों के खिलाफ वहां पे मुकदमा दर्ज किया गया जो जिसने कत्ल किया। अब उन्होंने बताया कि बात यह है कि वो वीडियो सामने आ गया है,